So next again, renal tubule. Renal tubule. So we have known renal tubule consists of three portions. They are this one highly coiled portion to just the upper Bowman's capsule के पास है, Bowman's capsule से attach है, that is known as the PCT. और इधर ये है collecting duct. Collecting duct से यहाँ पर ये जो highly coiled portion है, that is known as the DCT. This one ये loop के तरह जो है, okay, hair pin shaped, this is known as, इसको हम लोग लूप ऑफ हेनली, दैट इज हेनलीस लूप कहते हैं. ओके, सो पहला वाला रिनेल ट्यूबुल में देखते हैं पीसीटी का, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूबुल. ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. ओके, ये तो दिस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इज द हाईली कोइल्ड पोर्शन दैट रिमेन्स जस्ट इन कनेक्टेड विद द, ये हाईली कोइल्ड पोर्शन है, हाईली कोइल्ड ट्यूबुल दैट रिमेन्स कनेक्टेड विद द बाउमेन्स कैप्सूल. बाउमेन कैप्सूल से कनेक्टेड क्या हो रहता है, किडनी का कौन सा पोर्शन में होगा, दिस इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन में ये लोकेटेड होता है, सिचुएटेड होता है. ओके, यहाँ पे एक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखना है, दैट इज नोन एज द, दैट इज ये किस चीज से बना हुआ रहता है, कौन सा सेल से बना हुआ रहता है. इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल इपिथेलियल, क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स बियरिंग ए ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रो विलाय. ठीक है, व्हाट व्हाट डस इट मीन, ये पीसीटी जो है इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स. क्यूबॉइडल, यू नो क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स, वी हैव क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड सेल का, क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स से बना हुआ है और इसके ऊपर में देयर इज ए ब्रश बॉर्डर, बियरिंग ए ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाय, बहुत छोटा छोटा यहाँ पे माइक्रोविलाय होता है, विलाय, माइक्रोविलाय. ओके, माइक्रोविलाय, दिस आर माइक्रोविलाय. तो ऐसे करके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बना हुआ होगा और इसमें यह सब बहुत छोटे छोटे माइक्रोविलाय होगा, ये याद रखना है. ठीक, दिस इज अबाउट द पीसीटी. सो हियर अगेन, लूप ऑफ हेनली. ठीक है, सो दिस लूप ऑफ हेनली जो है इट इज हेयर पिन सेप्ट, यस यू कैन सी हियर, इट इज हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर दैट रन्स स्ट्रेट इनटू द मेड्यूला. किडनी का जो मेड्यूलरी पोर्शन है, मेड्यूला है, उसमें ये रन्स स्ट्रेट करता है. दिस इज द, ये एकदम पूरा मेड्यूला पोर्शन में होता है. दिस इज द हेयर पिन पोर्शन, हेयर पिन शेप्ड. सो इट इज हेयर पिन शेप्ड एंड इट रन्स स्ट्रेट इनटू द मेड्यूला, मेडुला पोर्शन ऑफ द किडनीज इसमें पाया जाता है, इसमें होता है. नाउ दिस लूप ऑफ हेनली हैज बोथ थिक पोर्शन एंड थिन पोर्शन, एज यू कैन सी हियर. ये पीसीटी से जो कनेक्टेड रहता है, पीसीटी से जो कनेक्टेड रहता है ये थिक पोर्शन होता है एंड यहाँ पर नीचे में ये थोड़ा सा थिन हो जाता है फिर. ओके, नीचे में आकर के थिन हो जाता है, फिर ये थिन होकर 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 जाएगा और फिर थोड़ा सा ऊपर में जाकर के ये जहां पर डीसीटी पहुंचने वाला होता है तब ये ऊपर में थोड़ा सा जाकर के ये फिर थिक हो जाता है ऐसे करके. सो दिस लूप ऑफ हेनली हैज बोथ थिक एंड थिन सेगमेंट्स. यहाँ पे पीसीटी
पीसीटी के पास जो लूप ऑफ हेनली होगा, पीसीटी से जो कनेक्टेड रहता है वो ठीक होता है, और फिर ये नीचे में आकर के ये थिन हो जाता है, फिर ये असेंडिंग जो है, दिस इज नोन एज डिसेंडिंग, ये यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहा है ना, दिस इज नोन एज डिसेंडिंग, ये फिर ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, दैट इज नोन एज असेंडिंग। सो दिस पोर्शन, यहां से लेकर के यहां तक जो है, इसको हम लोग डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनली करते हैं, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनली, ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक, फिर यहां से फिर यहां तक, डीसीटी स्टार्ट होने से पहले जस्ट यहां तक, दिस इज नोन एज, यहाँ पे वाटर अलोंग विथ यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, ये सब क्या होगा, ये सब जो है ऊपर जाएगा, दैट इज नोन एज, दैट इज व्हाई दिस पोर्शन इज नोन एज द असेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनली, ठीक है, असेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनली कहते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो डाउन डाउन का मतलब आई कैन से एसेंड डिसेंडिंग ऑल्सो, इसमें मैं डिसेंडिंग पोर्शन भी कह सकता हूँ, ये डिसेंडिंग पोर्शन जो होगा ये क्या होगा, पीसीटी, पीसीटी के पास में थिक होगा, डिसेंडिंग पोर्शन जो है ये भी थोड़ा सा थिक होगा, और फिर डाउन नीचे में एकदम पूरा आकर के ये थिन हो जाता है, और फिर ये असेंडिंग पोर्शन थोड़ा सा थिन होगा, फिर डीसीटी के पास में क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ओके, दिस इज द थिंग। और फिर वन थिंग मोर, दिस लूप ऑफ हेनली जो है, इट इज लॉन्ग, लूप ऑफ हेनली इज लॉन्ग इन बर्ड्स एंड मेमल्स, ये लूप ऑफ हेनली बहुत ही लंबा होता है, लूप ऑफ हेनली इट इज लॉन्ग इन द केयर्स ऑफ बर्ड्स एंड मेमल्स, क्यों, बिकॉज बर्ड्स एंड मेमल्स सेक्रेट हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक यूरिन, हाइपरटोनिक यूरिन, हाइपरटोनिक मीन्स व्हाट, हाइपर मीन्स हाई एंड टोनिक मीन्स कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेशन, तो बर्ड्स एंड मेमल्स जो है हाई कंसेंट्रेशन वाला यूरिन सेक्रेट करता है, रिलीज करता है, दैट इज व्हाई उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए ये लॉन्ग लूप ऑफ हेनली चाहिए, बिकॉज बर्ड्स एंड मेमल्स आर सेक्रेटिंग हाइपरटोनिक, हाई कंसेंट्रेशन यूरिन, दैट इज व्हाई फॉर इट्स रिमूवल क्या चाहिए, ये लॉन्ग वाला लूप ऑफ हेनली चाहिए, यही चाहिए, ठीक है ना। बट इट इज एब्सेंट इन द केस ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स लाइक रेप्टाइल्स, और सब में अब्सेंट होता है, अब्सेंट इन रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एसेट्रा, होता है लेकिन यह बहुत छोटा होता है, बट इन द केस ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स इट इज वेरी मच लॉन्ग। सो व्हाट वी हैव टू नो, पीसीटी के बाद यहाँ पर डीसी, पीसीटी, पीसीटी और डीसीटी के बीच में ये जो यू शेप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज, दिस इज यू शेप, दैट इज नोन एज लूप ऑफ हेनली, इसमें फिर दो पोर्शन होगा, एक जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज नोन एज द डिसेंडिंग पोर्शन, इसमें क्या होगा, ऊपर वाला जो पीसीटी से कनेक्टेड होता है दैट इज थिक, नीचे में यहाँ पर थिन होगा, पतला होगा, और फिर जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो डीसीटी से कनेक्टेड रहता है, तो यहाँ पर ऊपर में थिक होता है, नीचे में थिन होता है, ठीक है, दिस इज द थिंग। तो नेक्स्ट नंबर थ्री, डीसीटी दैट इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल डीसीटी जो है, दिस वन, इट इज हाईली कॉइल्ड पोर्शन जो लूप ऑफ हेनली के बाद आता है, एंड इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल, इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स बियरिंग
few microvilli. इसमें भी क्या होगा, ये डीसीटीबी, डीसीटीबी जी जो है ये भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बना हुआ रहता है एंड इसमें थोड़ा सा कम माइक्रोविलाय होता है. पीसीटी जो है इसमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल था, अभी जस्ट हम लोग पढ़े कुछ देर पहले, उसमें क्या था, उसमें बहुत सारे माइक्रोविलाय होता था. इसमें क्या होगा डीसीटी में, यहां पर भी ये भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है लेकिन इसमें थोड़ा सा कम माइक्रोविलाय होगा, हर एक सेल में से एक दो ऐसे करके होगा. There will be fewer microvilli. इस सेल से ये बना हुआ रहता है, इस क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से ये डीसीटी बना हुआ रहता है. बहुत सारे डीसीटीज जो है, बहुत सारे नेफ्रॉन का बहुत सारे डीसीटी ये क्या करेगा, मैनी डीसीटीज ऑफ मैनी nephrons open into or pour their contents into the collecting duct. ठीक है, यहां पे बहुत सारे nephrons होगा. We have known that there are millions and millions of nephrons in this kidney. तो यहां पर भी एक नेफ्रॉन है, हियर इज वन नेफ्रॉन. ओके, यहां पर भी क्या है, एक नेफ्रॉन ही है, ऐसा वाला जैसा मैं बनाया हूं ना, यही स्ट्रक्चर. यहां पर भी है एक नेफ्रॉन, यहां पर भी एक नेफ्रॉन है, ऐसे करके यहां पर भी एक नेफ्रॉन, यहां पर भी सारे नेफ्रॉन्स. ये जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस से अटैच इधर भी एक नेफ्रॉन, इधर भी हर जगह एक नेफ्रॉन है. बहुत सारे नेफ्रॉन्स होता है इस ब्रांचेस से, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन होता है हर एक कलेक्टिंग डक्ट से अटैच. तो यहां पर अब क्या होगा, यूरिन प्रोड्यूस होगा. यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस अभी हम लोग पढ़ेंगे. यूरिन प्रोड्यूस होने के बाद, यूरिन फॉर्म होने के बाद, ये यूरिन जो है कहां पर फॉल होगा, इसमें आ जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट में. सो देखो, ये डीसीटी लेकर के आता है यूरिन. ठीक है, तो यहां पर एक डीसीटी, वन नेफ्रॉन का एक डीसीटी यहां पर ये कलेक्टिंग डक्ट में फॉल हुआ. दूसरा नेफ्रॉन होगा, दूसरा नेफ्रॉन का डीसीटी भी इस कलेक्टिंग डक्ट में, यहां पर तीसरा नेफ्रॉन का डीसीटी भी ऐसे ही कनेक्टेड होगा इस कलेक्टिंग डक्ट से. ऐसे करके मेनी डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन का बहुत सारे डीसीटी ये कलेक्टिंग डक्ट में अपना कंटेंट्स को पोर करता है, मतलब कि यूरिन को पोर करता है. इधर से यूरिन को पोर करेगा, इधर से तो लास्ट में एकदम कलेक्टिंग डक्ट में सारा यूरिन चले आएगा, कलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द थिंग.